सो जय हिंद एवरीवन। बीएचयू के पीएचडी एडमिशंस के फॉर्म निकल चुके हैं। कौन कौन भर सकता है मैं बता देती हूँ। एक तो डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे आप भर सकते हो, दूसरा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हो, नेट जेआरएफ के बेसिस पे भर सकते हो और पीएचडी एंट्रेंस के बेसिस पे भी भर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन मतलब इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, आरईटी नहीं है, नेट जेआरएफ नहीं है, एंट्रेंस क्लियर नहीं है, फिर भी आप कैसे एडमिशन ले सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। और एक होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और फिर ये भी बताऊंगी कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। चाहे आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि फ्री में तो आप दे नहीं रहे हो, राइट? फीस देनी पड़ेगी आपको फॉर्म फिल करने के लिए, तो फीस वर्थ इट है कि नहीं वो भी बताऊंगी। प्लस आरईटी और आरईटी एग्जेप्टेड कैटेगरी दो फॉर्म्स निकले हैं तो वो भी बताऊंगी। और क्योंकि जो आरईटी एग्जेप्टेड कैटेगरी है उनको अलग से एंट्रेंस देना पड़ेगा, अभी एंट्रेंस होगा उनका अलग से दोबारा से, तो वो भी सब डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी पॉइंट। चलो ये अभी आपको मैंने पीपीटी बना दिया पूरा स्क्रीनशॉट ले लेके, 44 पेजेस का आपको पता है प्रोस्पेक्टस आया है बीएचयू की वेबसाइट पे। 44 पेजेस तो है जो कोई पढ़ता है नहीं, आलसी लोग होते हैं मेरी तरह बहुत सारे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए वो पूरा प्रस्पेक्टस पढ़ा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन शॉट्स थे वो मैंने लेकर आई हूँ, वो एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है कि आपको आरईटी दो फॉर्म्स निकले हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो फॉर्म्स निकले हैं, के वाला और एक ये वाला। तो आपको इनमें से कौन सा फॉर्म भरना है, और दोनों फॉर्म्स नहीं भर सकते, पहले ही बता रही हूँ। दोनों में से कोई सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है जिसमें आप एलिजिबल हो, चाहे आप दोनों जो दोनों में एलिजिबल हो, लेकिन भरना आपको कोई एक ही पड़ेगा, ठीक है? उसके मैं फायदे और नुकसान भी बताऊंगी कि कौन सा भरना चाहिए कौन सा नहीं। तो ये आपको ये एडवर्टीजमेंट मैंने दिखा दिया है, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पे फॉर्म भर दोगे, और अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हो तो इस पे क्लिक कर देना बस। और ये जो रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो हम डिस्कस करते हैं अब, क्योंकि उसी में सारा क्राइटेरिया वगैरह लिखा हुआ है कि कौन क्या फॉर्म भर सकता है। तो पहला, जैसे पेज नंबर भी मैंने साथ साथ डाल दिए हैं आपके उसके लिए कि जब आप प्रोस्पेक्टस खोलो तो आपको पता हो कि कौन से पेज नंबर पे क्या चीज है। तो पेज नंबर 7 पे सबसे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग के पेज नंबर ऐसे ही है वो एक्नॉलेजमेंट एंड ऑल, तो इसमें यहाँ पे आपको एडमिशन क्राइटेरिया बता रखा है। तो सबसे पहले हम ये कंफ्यूजन सॉल्व करते हैं कि आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जिनका नेट क्लियर है या फिर जेआरएफ क्लियर है, या मतलब नेट क्लियर है तब भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आओगे, जेआरएफ क्लियर है तब भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आओगे, ठीक है? या फिर आपने मतलब वो चाहे आप सीएसआईआर से हो नेट, ठीक है, आईएसएमआर, आईसीएआर, डीबीटी, यूजीसी, किसी ने भी कंडक्ट कराया हो, आप इसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आओगे, राइट? और आपको, लेकिन अगर आप मानो आपके पास नेट जेआरएफ है प्लस आपके पास पीएचडी एंट्रेंस भी क्लियर है, तो मेरी मानो तो आपको बी कैटेगरी यानी कि आरईटी वाली कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहिए, ना कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, ठीक है? आपको लगता है कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के पास ज्यादा फायदा होगा, पर मैं आपको भी फायदा नुकसान बताती हूँ कि आपको क्यों। जैसे मेरे पास नेट जेआरएफ भी है और मैंने अभी पीएचडी एंट्रेंस भी क्लियर किया था इसी में, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं नेट जेआरएफ के बेसिस पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनका तो एग्जाम होना है, अभी दोबारा से एग्जाम लेंगे वो, ठीक है? तो मेरे को दोबारा एग्जाम नहीं देना, तो मैं क्या करूंगी, आरईटी में जाके अपना फॉर्म फिल करूंगी, क्योंकि मैंने एंट्रेंस क्लियर किया हुआ है। तो अब आरईटी में कौन कौन एलिजिबल है, दो क्राइटेरिया है इसमें भी, एक तो एंट्रेंस के बेसिस पे जिनका भी एनटीए ने एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना, जो आपका स्कोर कार्ड वगैरह आया होगा, एक तो वो लोग, दूसरे बीएचयू आरईटी से जो जाएंगे, मतलब जिनका एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट नहीं करवाया। कुछ डिसिप्लिन ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि एनटीए कंडक्ट नहीं करवाता, ठीक है? तो उस सब्जेक्ट में फिर बीएचयू अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है? तो उसमें आप एलिज उसके लिए आपको आरईटी ही भरना है, ठीक है? आपको भी आरईटी देना पड़ेगा। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक बार आरईटी, ठीक है, और एक आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है? तो आरईटी एग्जेम्प्टेड में आपको नेट जेआरएफ हो, ठीक है, या आपने कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया हुआ है पीएचडी एंट्रेंस को छोड़ के, मतलब पीएचडी एंट्रेंस को छोड़ के आपने कोई भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आप आरईटी एग्जेम्प्टेड में डालो। अगर आपने एंट्रेंस क्लियर किया हुआ है तो आरईटी वाला फॉर्म भरो, ठीक है? प्लस आपको आरईटी में भी दो कैटेगरीज है, एक तो एनटीए वाला पीएचडी एंट्रेंस वाली कैटेगरी, दूसरा कौन सी कैटेगरी, जो अभी बीएचयू अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, नेट जेआरएफ वालों के लिए भी कंडक्ट कराएगा, प्लस ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए भी कंडक्ट करवाएगा जिनका एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट नहीं करवाया था, ठीक है? तो उसमें भी आपको इस वाली कैटेगरी में भरना है। तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई भी पेज नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो कि मैम ये वाला पेज नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको वहां पर ऑडियो भेज दूंगी अलग से समझाने के लिए। बट आई होप कि आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल होगा।
अब आप आते हो पेज नंबर 7 में, आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मेन डिसिप्लिन लिखा हुआ है। तो ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5, 6। अभी इन कॉलम्स में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे आपको मेंशन है इनके बारे में भी। तो कॉलम 4 का एक आगे चीज आएगा, तो आप याद रखना कॉलम 4 में क्या है, नंबर ऑफ सीट्स है। तो जहाँ पे अब ये इसमें डिस्कस करने वाला क्या है, ये BHURET लिखा है और किसी किसी में NTERET लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम था ना, वो NTA ने कंडक्ट करवाया था अभी CUET में, लेकिन जो ये बाकी 3 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी और वाटर मैनेजमेंट जैसे एग्जाम, ये NTA ने कंडक्ट नहीं करवाए थे PhD एंट्रेंस में। ठीक है, तो इसमें अगर आपको इन इन मेन डिसिप्लिन में एडमिशन लेना है, तो आपको BHU का अलग से RET का एग्जाम होगा, और उसमें लिखा है कि दिसंबर के में ही होगा, मतलब अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर एंड में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, या अभी मिड दिसंबर में, अभी डेट शीट वगैरह इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो आपका इस बेसिस पे एग्जाम होगा। तो क्या करो, पहले से ही जो ये फॉर्म निकला है ना, इस फॉर्म को भर के रख दो। तो जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, तो आपको फिर RET का एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर एग्जाम के बेसिस पे जब आप एलिजिबल होगे, तब आप एडमिशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, राइट। तो और NTA RET आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखा है अलाइड डिसिप्लिन। अलाइड डिसिप्लिन का मतलब क्या, कि आप इन डिसिप्लिन में भी अपनी PhD कर सकते हो। जैसे आप डेयरी टेक्नोलॉजी से हो, ठीक है, और डेयरी टेक्नोलॉजी में ये सारी डिपार्टमेंट्स आते हैं, और इसमें अलाइड डिसिप्लिन है। अलाइड डिसिप्लिन यानी कि उसके सब डिसिप्लिन में अलग अलग डिसिप्लिन आते हैं। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हो PhD, या फूड टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो, डेयरी टेक्नोलॉजी के सब फील्ड्स के अंदर। ठीक है, तो अभी इसको मैं हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। और अभी देखो, जैसे कुछ कुछ मैं ना सीट्स दे ही नहीं रखी, तो जैसे मैनेजमेंट स्टडीज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पेज नंबर 12 है ये, तो आपको नहीं भरना फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि सीट्स ही नहीं है उनके पास। तो जब सीट्स ही नहीं है, तो आप फॉर्म भर के क्या करोगे, इंटरव्यू के लिए कोई कॉल नहीं आएगा। तो वैसे बहुत सारी चीज, मतलब ऐसे 7, पेज नंबर 7 से ये टेबल शुरू है, तो आप देख लेना अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कि आपके वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। तो अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल है, और इसका एग्जाम, इन सारे डिसिप्लिन का एग्जाम, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ये NTA ने कंडक्ट कराया था। जहाँ पे BHU RET लिखा ना, मतलब सिर्फ इतना कि उसका एग्जाम NTA ने कंडक्ट नहीं करवाया, और BHU अभी कंडक्ट करवाएगा अलग से। ठीक है, और वो कैसे कंडक्ट कराएगा, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इन 2 सीट्स के ऊपर किनको एडमिशन मिलेगा, किस किसको नहीं, उसका भी क्राइटेरिया भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने बता रखा है कि कैसे 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 वो फॉर्मूला है और क्या क्या चीज होंगी। तो अब जैसे 2 ही सीट्स हैं, तो आपको लगता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 300 से ऊपर है, या काफी अच्छे मार्क्स आए, 250 ऐसे, तो आपको भरना है तो भर दो। ठीक है, आप एलिजिबल तो हो ही, लेकिन लॉजिकली भरो ना, क्योंकि आपको फीस भी देनी है। तो आप 2 सीट पहले आ पाओगे नहीं आ पाओगे, आपने कितनी अच्छे इंटरव्यू की तैयारी है, आपको बनारस जाना पड़ेगा पहले तो, एक वो देने, इंटरव्यू देने, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर रिसर्च प्रपोजल वगैरह सब कुछ, तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, देन नंबर ऑफ सीट्स सब अपने अपनी चेक कर लेना कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, सीट्स आर डिक्लेयर्ड इंक्लूसिव ऑफ बोथ मोड्स, मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स थी ना, तो उसमें वो 2 सीट्स पे कौन आएगा, वो 2 सीट्स में BHU वाले जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है वो भी होंगे, और उसके अलावा उसी सीट पे कौन भी होंगे NTA से, जो PhD एंट्रेंस के बेसिस पे आए हैं वो भी होंगे। तो मतलब मान लो एक सीट है, तो आपको NTA वाले को मिलेगी जो है PhD एंट्रेंस के बेसिस पे आया है, और एक सीट किसको मिलेगी, BHU वाले को, BHU का, जिसने RET का एग्जाम दिया होगा, ये नेट जीरा पालो ने जो RET का एग्जाम देंगे उनको मिलेगी। तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स थी, चाहे 20 सीट्स हैं, साइकोलॉजी भी हमने देखा आपने पिछले स्लाइड में कि साइकोलॉजी में 20 सीट्स थी, तो 20 सीट्स जो है दोनों में बटेंगी, BHU RET वालों में भी, और जो एंट्रेंस के बेसिस पे आया उनमें भी। ठीक है, और इसी में SC ST OBC सब जनरल कैटेगरी वाले भी होंगे ऐसा। ठीक है, सो ये हो गया। अब यहाँ पे बस इतना ही था, इसी जो मैं बस आपको यहाँ पे यही चीज समझानी थी, और इसके अलावा इस स्लाइड में, एक सेकेंड, तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50% जो होंगी, मतलब 20 है, तो 20 में से 50% यानी कि 10, तो 10 सीटें आपको किसको मिलेंगी, BHU RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों को, क्योंकि 2 फॉर्म निकाले हैं ना इन्होंने, तो 10 सीट उनको मिलेंगी, और बाकी 50% मैन की बाकी 10 सीटें किसको मिलेंगी, एंट्रेंस टेस्ट वालों को मिलेगी। और यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है, उनके पास एक ही सीट की फुलफिलमेंट है, तो वो किसको मिलेगी, जैसे पॉल साइंस में मान लो 2 सीटें थी, 2 या एक ही सीट होती तो किसको मिलता, तो वो उसमें प्रायोरिटी देंगे NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट को। ठीक है, तो RET, RET exempted, और RET और ये वाला जो है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक
ठीक है, तो एंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एंट्रेंस वालों को ही मिलेगी, तो अगर आप एंट्रेंस के बेसिस पे जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पिछली स्लाइड में मेंशन था कि आपको अपना पेपर कोड पता होना चाहिए, जब आप फॉर्म फिल करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, तो आपको पेपर कोड पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ है अपेंडिक्स 1 में, पेज नंबर 44 से, मतलब पेज नंबर 40 से स्टार्ट है, और यहाँ पे आपको सारे कोड दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप आरईटी के बेसिस पे भरोगे कि आपको आरईटी एग्जाम देना है, तो आप ये वाला पेपर कोड भरो। अगर आप एंट्रेंस के बेसिस पे आए हो तो आपको ये वाला पेपर कोड भरना है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर कोड है। ठीक है, और आप अगर पॉलिटिकल साइंस से आपने नेट जीआरएफ किया हुआ है तो आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में भरना पड़ेगा, और जब आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको कोड मांगेगा, तो आपको 861 कोड डालना है। और अगर आप आरईटी वाला भर रहे हो, एंट्रेंस के बेसिस पे भर रहे हो, तो आपको ये वाला जो एंट्रेंस वालों ने पेपर कोड दिया था वो डालना है। बस इस स्लाइड में यही बताना था मुझे। तो अभी जो पेज नंबर 21 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है पीएचडी में एडमिशन, बीएचयू में, नेट के बेसिस पे, नेट जीआरएफ के बेसिस पे, या फिर एनटीए के जो एग्जाम कंडक्टर करवाया था सीयूईटी वाला, अभी एंट्रेंस के बेसिस पे, या जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेगा वो एलिजिबल है। प्लस प्रायर कंडीशन ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने एमए करी है तो आपने मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप पॉल साइंस वाले से हो। किसी किसी में 60% क्राइटेरिया होता है, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स हैं तो उसके बाद आपका ये सब चीजें देखा जाएगा, नेट वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाता है कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें एनटीए ने कंडक्ट नहीं करवाया एग्जाम, जिस सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनटीए कंडक्ट नहीं कराता, जिसमें आपने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में भी आपका वो सब्जेक्ट नहीं था, और ना ही आपका बीएचयू आरईटी में वो सब्जेक्ट कंडक्ट करवाया गया है, तो उस केस में जो आपका जो क्लोजेस्ट एलाइड डिसिप्लिन है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपने नेट नेट का एग्जाम भी नहीं है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप एडमिट पीएचडी करना चाहते हो, लेकिन उसका एग्जाम बीएचयू ने भी नहीं कंडक्ट करवाया, और ना ही आपका एंट्रेंस वालों ने कंडक्ट करवाया एनटीए ने, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो सीपी से, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जो मिलता जुलता सबसे पास का डिसिप्लिन होगा ना, आप उसमें फॉर्म भर दो। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, सीपी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस आता है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो आप वो भर दो। ठीक है, या फिर आईआर भर दो। ठीक है, पैसा, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर ये थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि 20% जो है आपको एलई डिसिप्लिन वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब पहले तो मेन डिसिप्लिन वालों के बेसिस पे पीएचडी एडमिशन होगा, मेन डिसिप्लिन आपका पॉलिटिकल साइंस, लेकिन जो अगर आप एलई डिसिप्लिन में भरते हो फॉर्म, मेन डिसिप्लिन में ना भर के एलई डिसिप्लिन में भरते हो, तो उसके लिए आपको 20% रिजर्वेशन है बीएचयू में। ठीक है, वहां पे आपको उस मतलब अपर प्रेमिसल, मतलब मैक्सिमम लिमिटेड 20%, ठीक है, वहां से आपको ले लिया जाएगा उस केस में। और फिर इसके बाद है जो फोर्थ चॉइसेस वाला ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपको फॉर्म भरोगे ना तब आपको ये चीज काम आएगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पूछा जाएगा, अगर आपका एलिट डिसिप्लिन था, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था ना, जो टेबल बना हुआ था ऐसे करके, और तीन चार कॉलम थे, तो लास्ट में एलिट डिसिप्लिन दिखाए थे मैंने। ठीक है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी जब आप फॉर्म भरने बैठोगे, तो सिर्फ चार चॉइस आप चूज कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग द मेन डिसिप्लिन। मतलब एक मेन आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अलावा चार और आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो, कि अगर मेरे को पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन नहीं मिलता है मेन डिसिप्लिन में, तो मैं इन चारों में कहीं पे भी एडमिशन मेरे को मिलेगा पीएचडी में, तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। तो मेरे को पबेड बहुत पसंद है, तो मैं पबेड फर्स्ट नंबर पे डाल दूंगी, फिर सीपी नेक्स्ट पे, ऐसे। ठीक है, वैसे पॉल साइंस वालों के लिए एलई डिसिप्लिन कुछ है नहीं पीएचयू में, जिन जिन के लिए अवेलेबल है वो कर सकते हो। नेक्स्ट, मैंने जो बताया पीएचडी का, जैसे वो था ना, उन्हें एमए में कितना परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके, तो वैसे जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, उसमें 60% का क्राइटेरिया है, लॉ फैकल्टी में 55% होने चाहिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स मास्टर्स में, तो वो, ये पेज नंबर 22 से शुरू है, मैं पेज नंबर 24 का स्क्रीनशॉट है, पेज नंबर 22 से आपका जो भी डिसिप्लिन है आप देख सकते हो अपना स्क्रॉल करके। देन उसके बाद सीजीपीए वाला ऑप्शन आपको, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको दिखेगा कि सीजीपीए को मार्क्स में कन्वर्ट करना है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब है आपके पास फॉर्मूला, तो आप वो लगा लो। जैसे डीयू का फॉर्मूला होता है CGPA × 9.5, तो आप वो फॉर्मूला लगाओ अगर आप डीयू के हो, लेकिन आपका कोई फॉर्मूला प्रिस्क्राइब ही नहीं है, कोई कन्वर्जन फॉर्मूला है ही नहीं मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वो फॉर्म में आपसे मार्क्स मांगेगा, राइट, लेकिन आपके पास मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी ने फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो आप उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सीजीपीए को आप 10 लेकर चलो उस केस में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मतलब कि जो सीजीपीए आपकी आई है, फॉर एग्जाम्पल मेरी सीजीपीए आई है 6.5,
मास्टर्स में, तो उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, इन केस मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी फॉर्मूला नहीं है। और इसमें लिखा है अगर सीजीपीए आपकी सिर्फ 4 में से अवेलेबल है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए 10 नहीं होती, 4 होती है, ठीक है, मतलब टोटल सीजीपीए ही 4 होती है, तो 4 के लिए आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो जो भी निकलेगा आंसर वो आपका मार्क्स ऑब्टेंड होगा, ठीक है, उसको आपको मार्क्स ऑब्टेंड वाली कैटेगरी में डालना है, और टोटल में आपको 10 रखना है, और जो निकलेगा उसका फॉर्मूला, ठीक है, टोटल में 100 भी डाल सकते हो। तो वो मैंने आपको बता भी दिया था डीओ वाला जो मैं समझा रही थी। फिर और जिसके पास, अगर आप पहले से आपके पास पीएचडी डिग्री है, आपने जैसे पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रखी है, और आपको अब दूसरे किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, तो तब भी आप उसमें भी अब पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो एडिशनल पीएचडी डिग्री के लिए, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ये तो सबको पता ही होगा। और यहाँ पे इक्वलन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और आपको फोटोकॉपी वगैरह लगाना पड़ेगा, अगर आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन लगा सकते हो, तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इस पे जाते हो थर्ड पॉइंट पे, तो आपके सारा सॉल्व हो जाता है आराम से। अब यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दे रखा है कि एससी के लिए उन्होंने 15% सीट रिजर्व की, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट्स है। मतलब यहाँ पे ये फिजिकली डिसेबल का मैं बता रही हूँ, तो वैसा जैसे 20 सीट है, तो 20 में से 15% सीट जो होंगी वो एससी के लिए होंगी, फिर एसटी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, और इतनी है, ठीक है। और साथ में आपको अपना सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा, अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे सबका एससी का कैटेगरी का, एससी के हो तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उसका वैसे। देन अब आपका रिलैक्सेशन की मार्क्स में रिलैक्सेशन क्या होगा, तो मार्क्स में आपको जैसे 2.5% है ओबीसी के लिए, ठीक है, जैसे कि मार्क्स 50% मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए, तो 2.5% अगर कम कर दें इसमें से, तो वो ओबीसी के लिए उतना क्राइटेरिया, एससी एसटी के लिए 5% कम कर दो, यानी कि 45% हो गया, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 5% कम कर दो, पीडब्ल्यू या मैंने यानी कि फिजिकली डिसेबल, तो उनका भी 45% ही है ऐसा, बस ओबीसी के लिए थोड़ा सा ही कम है, ज्यादा जनरल और ओबीसी में इतना फर्क रखते नहीं है वो, तो ऐसा, ठीक है। और अभी इन्होंने वो कट ऑफ का कुछ बता नहीं रखा कि आपको कितने में फॉर्म भरना है, तो मेरी मानो तो 50% और 45% में भरो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सीट्स भी कम है और आपको भी अपना पता है कि कौन कितना पानी में है, तो लॉजिकली तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सब फॉर्म भर सकते हैं, तो अपने अपने रिस्क पे भर देना, मैं तो अपना लॉजिकल वाइज बता रही हूँ, लेकिन भर सकते हो आप, ऐसा कोई क्राइटेरिया क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने कितने मार्क्स पे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, जब आपका 100 मार्क्स ही क्यों ना आए हो 400 में से, तब भी भर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक वाइज लगाओ तो आपका एडमिशन होगा नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि आगे इन्होंने फॉर्मूला भी बताया। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन से कौन जा सकता है, जिन्होंने मतलब ना ही पीएचडी एंट्रेंस दिया है, ना ही पीएचयू का आरईटी दिया है, तो मतलब आप आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हो, और इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, और आप डायरेक्ट एडमिशन यानी कि डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हो बिना कोई एग्जाम दिए, अगर आपके पास जैसे कोई भी एक कैटेगरिया का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, जैसे कि नेट जेआरएफ हो, या फिर गेट हो, या फिर नेट एलएस हो विदाउट एनी फेलोशिप, या आप कोई ऐसा फॉरेन नेशनल हो और आपके पास फेलोशिप है आईसीसीआर की, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की फेलोशिप है, या आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम किया हुआ है एआईसीटी का, तब आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। फिर पीएचडी स्कॉलरशिप की अगर बात करें, तो जिसमें आपको यूजीसी एसआईआर जेआरएफ वाली अगर कोई पीएचडी स्कॉलरशिप, रिनोन स्कॉलरशिप नेशनली और इंटरनेशनली मिली है, ठीक है, तो उस केस में भी आप सुपर न्यूमरेरी कोटा होता है जिससे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और फिर उसके नीचे ही 29 पेज नंबर के बाद फॉरेन नेशनल्स के लिए एडिशनल क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो जो फॉरेन नेशनल्स है वो पेज नंबर 29 के बाद देख सकते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर बता रखा है कि 100 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है, 100 मार्क्स आपके कैसे बनेंगे, 25 मार्क्स आपके अकेडमिक्स ही, अभी मैं समझाऊंगी कैसे 25, और 50 आपके अगर आप नेट जेआरएफ यानी कि एग्जेप्टेड कैटेगरी का फॉर्म भरोगे, या फिर और है यहाँ पे, ठीक है, ना कि एंड, या फिर आपका जो एनटीए आरईटी का एग्जाम क्लियर हुआ है या पीएचयू आरईटी का, ठीक है, वो उस बेसिस पे 50 मार्क्स बनेंगे आपके, मतलब एंट्रेंस के आपके 50 मार्क्स एंट्रेंस, नेट जेआरएफ या फिर आरईटी जो पीएचयू अलग से कंडक्ट कराएगा कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, इनमें से किसी के एक के 50, ठीक है, एंट्रेंस के भी 50, नेट जेआरएफ के भी 50 और आरईटी के 50, अब तीनों में तो आप एलिजिबल होगे नहीं, किसी एक में ही होगे ना, तो किसी एक में भी होगे तो उसमें आपका 50 मार्क्स है मैक्सिमम, और एकेडमिक्स का 25 और इंटरव्यू के लिए भी 25, तो टोटल 100 मार्क्स, तो 100 में से जिसके सबसे मैक्सिमम हो गए उसको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस का देखते हैं, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के 25 मार्क्स कैसे काउंट होंगे, क्लास 10th में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है तो आपके 5 मार्क्स, सेकेंड डिवीजन आई है तो 3, और थर्ड डिवीजन आई थी आपकी क्लास 10th में तो सिर्फ 1 मार्क्स ही
होगा, मैक्सिमम 5 होते हैं, आपको फिर पता चल जाएगा। क्लास 12th में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आई थी तो 5, वैसे इसमें ये हो गया, ठीक है। यूजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन आई थी तो उसके भी 5 काउंट होंगे, सेकंड डिवीजन आई थी तो 3 काउंट होंगे, पीजी यानी कि आपके मास्टर्स में अगर फर्स्ट डिवीजन आई थी तो 5 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये ऐसे काउंट होगा आपका स्कोर, ठीक है। और थर्ड डिवीजन आई थी तो 0, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर अगर आपकी नेट जीआरएफ या कोई एक्सटर्नल फेलोशिप है, ठीक है, वो क्लियर है तो उसके 5 मार्क्स, तो आपके हो गए टोटल कितने, 25। और लेकिन जो उन्होंने लिखा हुआ है 25 किन के लिए है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, और क्योंकि जिनका नेट जीआरएफ क्लियर नहीं है तो वो उनको तो 5 मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो उनके कितने में से काउंट होंगे, उनके होंगे 20 में से काउंट, ठीक है। उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 20, जिनका नेट और जिनका सिर्फ जिनका जीआरएफ क्वालिफाइड है उनके 5 है, और जिनका सिर्फ सिर्फ नेट क्वालिफाइड है उनका 2.5 मार्क्स लगेंगे ऐसा, ठीक है। तो आपके 25 में से मार्क्स काउंट होंगे कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो आपके 25 मेरे तो मतलब एकेडमिक्स में 25 बन गए इसमें से मिला के, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, 24-23 बन रहे हैं, तो आपका मतलब 100 में से तो आधा मार्क्स आपके यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। और आपको नेट जीआरएफ में से कुछ भी नहीं है तो आपके मार्क्स 20 में से काउंट होंगे, ये मैंने बता दिया। देन बात करते हैं जिनका एंट्रेंस टेस्ट या रिटर्न एग्जामिनेशन है उनके कैसे मार्क्स काउंट होंगे, तो उनके लिए लिखा हुआ है कि आपको क्या होगा, आपको अभी टेस्ट भी देना पड़ेगा। टेस्ट भी क्या है, ये आपको मैं अब सिलेबस बता रही हूँ, जिनको एग्जाम देना है, किस एग्जाम किसको देना है, जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं, तो उसका एग्जाम अभी बीएचयू अलग से कंडक्ट कराएगा, और ये पेन और पेपर पे एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम है और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, और इसमें लिखा भी हुआ है टोटल 50 मार्क्स में, तो आपके पास 5 होंगे, मतलब आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए दिया जाएगा आपको, और उसके लिए भी आपको बीएचयू जाना पड़ेगा, तो ये एग्जाम बीएचयू खुद कंडक्ट करवाएगा, तो बीएचयू में जाना पड़ेगा आपको, आपको वो रूम नंबर वगैरह बता देंगे, और वहां बैठ के आपको पेन पेपर पे एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो और उसमें जो इंट्रोडक्शन होगा रिसर्च प्रपोजल का उसके 10 मार्क्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के 10 मार्क्स, एम ऑब्जेक्टिव जो भी आप लिखोगे उसके 10 मार्क्स, मेथडोलॉजी वगैरह के 10 मार्क्स, और एथिकल कंसिडरेशन इम्प्लीकेशन जो भी होता है रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, ये आपको सब लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, मतलब रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ेगा वहां बैठ के, ठीक है। जो 1 घंटे का या 2 घंटे का जितने का भी एग्जाम, कितनी देर का भी एग्जाम होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। और फिर उसमें आपको यहाँ पे जितने मार्क्स आएंगे, मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40%, ठीक है। तो आपको इसके लिए इंटरव्यू का कॉल तभी आएगा जब आप यहाँ पे 40% एटलीस्ट स्कोर कर लेते हो 50 मार्क्स में से, ठीक है। और डेट इज 20, तो 20 लाने हैं आपको, 50 में सिर्फ 20 मार्क्स लाने हैं, मतलब इन 5ों में से आपने कोई भी 2-3 चीजें अच्छे से लिख ली तो आपको आराम से ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए, फिर पीएचडी एडमिशन होता है नहीं होता वो तो बात की बात है। तो ये आपका एग्जाम होने वाला है, जिन जो आप ये एग्जाम किनका होगा, जो आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे ना उनका एग्जाम, उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा 50 मार्क्स का अलग से। फिर उसके बाद आरईटी एनटीए रीट लिखा हुआ है, तो एनटीए ने तो एग्जाम कंडक्ट करवा ही दिया है, जिस जो 100 क्वेश्चन आए थे तो उसका तो एग्जाम हो गया, ये तो वो तो नहीं देखना। अब इसके अलावा जो आरईटी कंडक्ट कराएगा, तो आरईटी अब भी कंडक्ट करवाने वाला है कुछ एग्जाम। आरईटी यहाँ पे कौन सा, जो आप आरईटी वाला फॉर्म भरोगे ना विदाउट एग्जेम्प्टेड, जिनका मतलब जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम नेट एनटीए ने कंडक्ट नहीं करवाया था, तो उसका एग्जाम बीएचयू कंडक्ट करवाएगा आरईटी के बेसिस पे, तो उनको 100 MCQs आएंगे, 4 मार्क्स के होंगे, और वही सेम क्राइटेरिया होगा, 50% क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी से 50% क्वेश्चन होंगे, और बाकी 50% क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, आपके सब्जेक्ट्स जो आपने चूज किया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया 50% ठीक करने हैं, ये लिखा था कि 50% रिसर्च के होंगे और 50% जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके 50% होंगे, वही सेम जो पीएचडी एंट्रेंस में सीन था वैसा ही सेम फॉर्मेट रहेगा। तो अब इंटरव्यू का कॉल किन किन को आएगा, तो अगर आप पीएचयू आरईटी एग्जेम्प्टेड वाला फॉर्म भरते हो और फिर आप आरईटी का एग्जाम देते हो, वो जो 50 मार्क्स वाला मैंने एग्जाम बताया ना, आप वो एग्जाम देते हो और उस 50 मार्क्स वाले एग्जाम में आपको 40% स्कोर कर लेते हो, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अगर आप जनरल से हो, अगर आप एस सी एस टी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो आपको सिर्फ 35% स्कोर करना है और आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। वेयर एज जो आप पीएचडी एंट्रेंस के बेसिस पे जो लोग जा रहे हैं एग्जाम देने एनटीए आरईटी वाला, तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ, बस ये इतना लिखा हुआ है कि आपका मेरिट रैंक डिसाइड होगा आपके, मतलब कितने लोग वहां पे फॉर्म भरा है उस बेसिस पे। तो जैसे जो पहली सीट है, ठीक है, जैसे पॉल साइंस में मैंने आपको बताया था 2 ही सीट्स थी, तो पहली सीट पे 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा उस, और उन 10 कैंडिडेट में जनरल वाले भी होंगे, ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस सब होंगे, ठीक है। तो एक सीट पे कितने लोग जा रहे हैं, एक सीट पे 10 लोग जा रहे हैं, फिर वैसे दूसरी सीट के लिए फिर एडिशनल 5,
ठीक है, तो हर दूसरी सीट के लिए फिर पांच पांच ऐड होते रहेंगे ऐसे, तीन सीट पे फिर पांच प्लस, फिर फोर सीट पे फिर पांच कैंडिडेट्स का और इंटरव्यू ऐसे करके होगा। ठीक है, तो पहले पे 10, फिर जैसे टोटल अब पॉल साइंस में 2 सीट्स हैं, तो उनके लिए ऐसा मान के चलो तो आप 15 कैंडिडेट्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, और वो डिसाइड करेगा कौन, वो वहाँ के जो भी प्रोफेसर वगैरह होंगे, ठीक है, पूरी टीम डिसाइड करेगी कि कितना कट ऑफ होनी चाहिए, किस क्राइटेरिया पे आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो देखेंगे कि अच्छा इतने सारे लोग आए हैं, इसमें इन 10 लोगों का जो मेरिट है बहुत अच्छा जा रहा है, तो उन 10 को वो बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए ऐसा। और सेम क्राइटेरिया BHU RET वालों के लिए भी फॉलो होगा, जो BHU के RET का एग्जाम देके उनके लिए, मतलब जिनका नेट NTA ने कंडक्ट नहीं करवाया था वो। सो नाउ पेज नंबर 34, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपके मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे। अगर आप RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हो तो आपका तो वही वाला जो 50 मार्क्स का आपका टेस्ट था उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे जितने, प्लस 25 मार्क्स इंटरव्यू के, तो और एक्स मतलब एकेडमिक वाला, फिर आपके मार्क्स प्लस होंगे जितने आपके इसमें आए RET में आए, प्लस इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का, तो 25 में से आपको जो पैनल मार्क्स देगा वो, तो इन तीनों को ऐड किया जाएगा और फिर उस हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाएगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। फिर बात करते हैं NTA RET या BHU RET, इन दोनों का फॉर्मूला सब कुछ सेम ही है, तो एक ही मैं बता देती हूँ, है तो एंट्रेंस एग्जाम ही ना दोनों। तो इसमें आपका फॉर एग्जाम्पल 240 मार्क्स आए आपके, आपकी आपके पास स्कोर कार्ड तो होगा सबका, तो जैसे PhD में आपके 240 मार्क्स आए, तो उसको 8 से डिवाइड किया जाएगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने, मतलब 30, तो इसका मतलब आपके 50 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, 30 मार्क्स बन रहे हैं। तो आपके एकेडमिक्स में मान लो 25 बन रहे हैं, इसमें 30 बन रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप बस आपको कितने और मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने, और इंटरव्यू में मान लो आपको 15 मार्क्स दे दिए पैनल ने, तो कितने हो गए टोटल मिला के, 30, 50, 60, 70, 70 मार्क्स हो गए। तो 100 में से अगर आपको 70 मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनका मान लो कि मेरिट लिस्ट का ये है कि जिसके 65 से ऊपर आ रहे हैं टोटल 100 में से, वो एलिजिबल है, एडमिशन उसका हो जाएगा पक्का पक्का। तो ऑब्वियसली अगर वो 70 निकाल रहे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही कहते हैं क्योंकि 50 कैसे, क्योंकि 400 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 85 जो 40, तो पूरे 50 ही बनते हैं। ठीक है, तो वैसे वाला। फिर उसके बाद हम बात करें, हो गया आपको इंटरव्यू का कॉल कैसे, आपके कट ऑफ या मार्क्स डिसाइड कैसे होने वाले हैं, तो अब आप खुद अपना जितना भी आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो भी आपका स्कोर आया है PhD एंट्रेंस का, उसको 8 से डिवाइड कर लो, और जितने मार्क्स बन रहे हैं, और बाकी अगर आपके एकेडमिक्स में 25 बन रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है, और यहाँ पे आपके 30 बन रहे हैं, या 30 से मतलब 30 तो मैंने ऐसे 240 करके बताया ना, और मतलब 50 में से काफी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 40 के करीब बन रहे हैं, तो आप फॉर्म भर दो, क्या बहुत हाई चांसेस है कि इंटरव्यू भी हो जाएगा और सिलेक्ट भी हो सकते हो। फिर हाउ टू अप्लाई में, तो ये ऐसे फ्री ऐसे कुछ है यहाँ पे, आपको बस जनरल की फीस, अगर आप PHU RET के बेसिस पे गए हो, ठीक है, एंट्रेंस तो आपकी फीस होगी 600 और SC ST वालों की 300, लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे गए हो, जो भी PhD का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, या फिर आप RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हो, तो आपकी जो जनरल OBC और EWS के लिए जो फीस है वो है 200 रुपये, और SC ST और फिजिकली डिसेबल वालों के लिए 100 रुपये। तो ये आपका फीस का स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपको सीधा बस जाना है वेबसाइट पे, और उस पे जो आपको मैंने दो लिंक दिखाए थे ना, फर्स्ट स्लाइड जो दिखाई थी, तो दो लिंक दिखाए थे ऐसे करके, तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो या दूसरे पे, तो ऐसा ही कुछ फेस खोलेगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है, सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, कुछ ही कुछ भी दिक्कत आया ना फॉर्म भरते टाइम, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम पे DM कर सकते हो कि मैम ये फॉर्म के अंदर इस वाली जगह पे क्या भरना है, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा गया CGPA का, कुछ भी सीन हो तो आप कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तब मैं वहां आपको बता दूंगी, या हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। अगर किसी को ज्यादा मतलब मुश्किल होगा ना फॉर्म भरने के लिए, और सब काफी ज्यादा लोग मुझे बोलेंगे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया और सबसे बोरिंग वीडियो था, पर थैंक यू, आपने अगर लास्ट तक देखा है तो मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है एक एक चीज, तो आप लॉजिकल होके भरना भाई, सीट्स का मैं तो मत भरना, ठीक है, 2 सीट पे आप क्या ही करोगे, बहुत अच्छा खासा जुगाड़ है आपके पास, तो भर दो कि हाँ भाई हो ही जाएगा, BHU में आपके पापा वगैरह कोई है ऐसा करके, तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको लगता है कि यार इतने सारे लोग हैं, इनमें से 2 सीट पे मेरा होगा कि नहीं, तो फिर मत भरो, क्या फायदा फॉर्म भरने का, चाहे आप एलिजिबल हो भी फिर भी। ठीक है, तो थैंक यू, एंड आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऐसी और अच्छी सी वीडियोज के लिए मैं लाती रहूंगी आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो ओके, बाय।